हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासीनेस विद उन्नति। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इस तरीके से क्यों बैठी हूँ, ना कोई मेकअप है, स्किन बहुत डल है। यस, आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी क्योंकि दिवाली से पहले से मैं सफर कर रही थी अपनी स्किन, मतलब मेरी स्किन ड्राई डैमेज, क्योंकि बिकॉज धूल मिट्टी, थोड़ा सा घर में रेनोवेशन का काम भी चल रहा था तो उस वजह से मेरा फेस बहुत डल पड़ चुका था। वो दिवाली से पहले से ही था। मैं फिर कुछ थोड़ा बहुत जो पैम्पर कर सकी वो किया मैंने, थोड़ा स्क्रब करके एंड फेस पैक लिया। बट जब तक आप एक प्रॉपर सेल्फ केयर नहीं करते वो नहीं होता, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। सो फिर ये दिवाली फेस्टिवल आ गया तो इसमें हम निकल गए और मेकअप शेकअप करते हैं तो और स्किन हार्श और ड्राई हो जाती है, वही मेरे साथ हुआ। और फिर दूसरा रीज़न ये था कि मैं 2-3 दिन से सफ़र कर रही थी फीवर से, फिर 2 दिन मेरे शूट थे तो शूट में मैं बिजी थी तो बिल्कुल कोई केयर नहीं, और बैक टू बैक मेकअप। और शूट पे जब आप होते हैं तो हर किसी का मेकअप स्पॉन्ज, वैसे तो मैं अपना पर्सनली रखती हूँ हमेशा, बट कुछ ना कुछ 19-20 कभी कभी हो जाता है, एंड जब आप बीमार पड़ जाते तो वैसे स्किन डल पड़ जाती है। तो वही सब चीज़ों से मैं सफ़र कर रही थी। एंड अभी हुआ क्या, ड्यू टू दिवाली एंड ये फेस्टिवल की वजह से मैं किसी को भी मतलब मेकअप लगा रही थी, कर रही थी अपने फेस पे भी, तो माय स्किन इज़ टू सेंसिटिव तो उसकी वजह से मुझे एक्नेज आ जाते हैं या स्किन ड्राई हो जाती है या मतलब स्किन पील होने लगती है। मेरी प्रॉब्लम है गाइज, एंड बहुत टाइम से ध्यान नहीं देता, मुझे बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है डस्ट से। मैं जितना डस्ट में अगर रहती हूँ तो मेरी स्किन डल पड़ती है, ड्राइनेस हो जाती है, एक्नेज आना शुरू होते हैं, एंड मेरे को कभी नहीं आते बट इस वाले पार्ट में मेरा भी एक्नेज है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। और फिर बीमारी में तो आप डल हो ही जाते हैं, मेरा अभी फीवर मतलब नॉर्मल हुआ है तो जाके मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज बेसिकली मैं लेके आई हूँ स्किन केयर एंड बॉडी केयर, मतलब विंटर स्किन केयर एंड विंटर बॉडी केयर, बिकॉज सी कितनी ड्राइनेस हो गई आपको पता ही चल रहा होगा और मेरे फेस में भी बहुत ड्राइनेस हो गई है। तो बेसिकली मैं कुछ DIYs और मॉइस्चराइजिंग, जैसे आप स्किन को मॉइस्चर एंड नरिश करे, तो बस वही कुछ DIYs लाई हूँ आप लोगों के सामने और वो शेयर करूंगी। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्टेड। पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर वो फेस पे आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते, बहुत चिप 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 चिप, फिर वो सब जगह चिपकते हैं बाल। मैं ये भी पहन लूँ क्या? अभी मैं ना बिल्कुल डोरेमोन जैसी लगूंगी। हाँ, सो क्यूट ना, और अभी मेरा फेस चबी हो गया है तो मैं एकदम डोरेमोन लग रही हूँ, गोल मटोल सा। बिकॉज गाइस, मैंने ना दिवाली में इतनी मिठाइयाँ खाई है, हद से ज़्यादा, और जबकि मेरी प्रॉब्लम है मैं जैसे ही मीठा खाती हूँ मेरा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी, और वो तो आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा। पर क्या करना, साल में एक बार ही तो त्यौहार आता है। वैसे मैं अपने स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज में भी जाऊँगी जो मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही हूँ। सो गाइज, ये है कर्ड, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख तो गया ही ना, मुझे शीशे के बॉल में लेना चाहिए था 1 सेकेंड ताकि ट्रांसपेरेंट में अच्छे से दिख जाएगा ये कर्ड एंड हनी और ये सैंडलवुड पाउडर। सो गाइज, यूजुअली आप लोगों को पता है कि मैं कर्ड वैसे भी यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कर्ड में नॉर्मली जैसे कहीं बाहर हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा मतलब अच्छा मॉइस्चराइजर या नरिशमेंट नहीं मिल रही मेरी स्किन को तो मैं कर्ड अप्लाई कर लेती हूँ। अगर हनी मिल जाए तो दी बेस्ट है, तो हनी और कर्ड दोनों मिक्स करके मैं लगा लेती हूँ। ये जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं बहुत टाइम से ये मेथड अप्लाई करती हूँ और ट्राई करती हूँ। अभी तो मैं सीरियसली गाइज आपको बताऊँ, खुद मैं आई थिंक 3-4 महीने से मैंने खुद ने नहीं लगाया। सो गाइज, इसमें ये हनी एंड कर्ड तो मेरा हो गया है मिक्स, अब इसमें मिक्स करते हैं ये सैंडलवुड पाउडर। ये खुला है, खोलना पड़ेगा। मेरी मम्मी पता है पहले कहती थी, हम तो दूध और चंदन लगाते थे, इतने ग्लोइंग हमारी स्किन थी। सही कहते थे ना, पहले इतना पोल्यूशन कहाँ था, पोल्यूशन, डस्ट, ये सब कहाँ था। तो वो लोग कहते ही थे, हम लोग सिर्फ, वो हमेशा कहते थे कि मैं रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध और सैंडलवुड पाउडर लगाते थे तो हमारी स्किन बहुत ग्लो करती थी। वैसे मैंने कभी नहीं लगाया, सीरियसली गाइस कभी नहीं लगाया, और मैं सैंडलवुड पाउडर वैसे भी कम ही लगाती हूँ। तो ये इसमें मैंने मिक्स कर दिया है,
अब मैं इसको मिक्स करके आती हूँ एक मिनट। सो गाइस इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। तो पता है इसमें एक भी लंग्स नहीं रहने चाहिए सी, और एकदम स्मूथ स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। वैसे क्यों ना मैं अप्लाई करने के बाद ही आप लोगों से मिलूँ। सो गाइस मैंने अप्लाई कर लिया है प्रॉपर, इसमें थोड़ा सा बच गया है वो मैं अपनी मम्मी को लगा दूंगी। तो मीन वाइल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सर्दियों में मैं मॉइस्चराइजर कौन से यूज़ करती हूँ। मतलब वैसे तो मेरे ऑल टाइम ये दो ही मॉइस्चराइजर है, आपको पता होगा, बट एक्स्ट्रा नरिशमेंट या एक्स्ट्रा मॉइस्चर मुझे चाहिए होता तो मैं ये न्यूट्रीजीना का यूज़ करती हूँ, हाइड्रो बूस्ट एंड एक्मिस्ट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आप लोगों को जैसे कि पता ही है। एंड यू नो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए स्किन को। मतलब लाइट मॉइस्चराइजर अपनी स्किन को हमेशा लगाओ। आपकी स्किन ड्राई है ऑयली है, अगर ऑयली है तो जो नॉन ऑयली नॉन स्टिकी होते हैं वो वाले लगाओ, एंड ऑयली है तो थोड़ा बहुत मतलब ऑयल बेस्ड वाले चलेंगे, बट गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करो ऑयल बेस्ड। एंड उसके लिए बेस्ट है ये न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट, ये बहुत अच्छा है। तो गाइज ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और ये तो मेरा डॉक्टर रेकमेंडेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो गाइज ये अब आपको मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने फेस क्लीन नहीं किया है। मैं आप जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उससे पहले ही फेस वॉश कर लिया था और रोज वाटर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया था। एंड अब इसको मैं 15 to 20 minutes छोड़ूंगी, वैसे 10 to 15 minutes आप छोड़ सकते हैं, मेरे स्किन इस टाइम ज्यादा डल है तो मैं 20 minutes इसको छोड़ूंगी, फिर 20 minutes के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइज फेस मैंने आप देख सकते हैं वॉश कर लिया अच्छे से, और नॉर्मल पानी से करना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो भी हो, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और ये हो गया मेरा फेस क्लीन। सो गाइज फील करने से तो टू मच सॉफ्ट एंड मॉइस्चर फील होता है, एंड आप भी इसे जरूर जरूर ट्राई करो, मतलब घर में कभी भी ट्राई कर लो, एनी टाइम, सर्दियों में बेस्ट है। एंड अगर आपको ये नहीं मिलाना सैंडलवुड पाउडर तो आप उसमें दही और हनी भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने आपको बहुत टाइम बताया, बहुत ही सारी बार। एंड एक मैं चीज़ बताती हूँ, ये है कोकोनट ऑयल, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही जब मैं ये ट्रीटमेंट करती हूँ तो उसके बाद ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बट मैं अभी इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मैं अभी इनको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कोकोनट ऑयल वैसे भी आप रात को जब सोते हैं तभी लगाएं, और ये कोकोनट ऑयल वॉर्म है, मतलब गर्म, हल्का सा गर्म करके, एंड इसे मैं अपने हाथों में और अपनी पूरी बॉडी में, ये बॉडी को बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है। जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथों में बहुत अजीब से, तो मैं ये रात को पूरी बॉडी पे लगा के सोऊंगी। तो अभी मैंने सिर्फ आपको हाथों में ही दिखा दिया है, तो मैं अपनी पूरी बॉडी में, हाथों में, पैरों में और फेस में जब भी ये वाला मैं DIY, मतलब हमेशा नहीं, जब भी मुझे लगता है बहुत डलनेस हो रही है और ड्राइनेस खत्म ही नहीं हो रही, तो मैं कोकोनट ऑयल हल्का सा वार्म करके अपने पूरे स्किन पे, बॉडी पे जरूर अप्लाई करती हूँ। उससे एक सॉफ्टनेस और बटरी सा इफेक्ट और शाइनिंग डेफिनेटली आती है, बहुत शाइनिंग आती है जब आप कोकोनट ऑयल रेगुलर यूज करते हैं। बट गाइज लोगों से मैंने सुना है कि कोकोनट ऑयल यूज करके ना ब्लैकनेस हो जाती है, ऐसा वो इसलिए होती है आप क्योंकि लगा के बाहर घूमने निकल जाओ, तो दैट इज रॉन्ग ना। कोकोनट ऑयल लगा के कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जितने भी डस्ट उड़ती है बाहर वो कैच करती है, मतलब स्किन से चिपकती आके, और ऑयल तो फिर उसको खींचे गए ना, चिपकाए गए। तो अगर दिन में आपको मॉइस्चर चाहिए, मैं ये वाव स्किन केयर का बॉडी लोशन यूज करती हूँ, ये है सीवा बटर एंड कोको बटर मॉइस्चराइजर, और 24 मॉइस्चराइजिंग डीप नरिशमेंट देता है ये, हाइड्रो बूस्टिंग ये बताता है। और यू नो गाइस वाओ स्किन साइंस के मेरे को जितने भी प्रोडक्ट है बहुत ही पसंद है, इनका बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, शैम्पू कंडीशनर पर्सनली मैंने यूज नहीं किए, एंड ये बॉडी लोशन इनका बेस्ट है, बेस्ट। इससे पहले मैं यूज करती थी वैसलीन का कोको बटर, वो मतलब कुछ घंटे तो ठीक रहता था, उसके बाद वो मतलब ड्राई होने लगता था, अप्लाई करना पड़ता था। ये एक्चुअली मैं इसको सुबह लगाती हूँ और मुझे दोबारा रीअप्लाई करने की ऐसी कोई नीड नहीं लगती, और रात को तो अगर मुझे लगता है तो मैं कोकोनट ऑयल, मैंने जैसे कि बताया, गर्म करके लगा के सो जाती हूँ, वो भी नॉट रेगुलर, कभी कभी, मतलब वंस इन अ मंथ, नॉट रेगुलर। ये ऐसी चीज आप रेगुलर लगाओ। सो गाइज ये तो हो गई बॉडी लोशन की बात, जो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करती हूँ, ये बेस्ट बॉडी लोशन है अभी तक मुझे, इससे अच्छा कोई नहीं मिला, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 24 आवर मॉइस्चराइजर ये डेफिनेटली देता है, क्योंकि मैं तो रीअप्लाई कभी नहीं करती और नेक्स्ट डे ही लगाती हूँ। सो बॉडी लोशन की बात हो गई है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ
ये है फूट हील क्रीम, मतलब फूट मॉइस्चराइजर कहेंगे, और ये हैंड मॉइस्चराइजर, ये शेल्स कंपनी का फूट क्रीम है, एंड ये हील पील फॉर द क्ले स्किन्स। ये बहुत अच्छा है, क्यूकम्बर है, कोको बटर है, समथिंग, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एंड गाइज ये बहुत अच्छा है, एंड फ्रेग्रेंस भी माइल्ड है और अच्छी है, और ये 800 का था, इट्स टू एक्सपेंसिव, और छोटी सी इसकी बॉटली है। मैं इसका भी प्राइस आपको बता देती हूँ, आई थिंक ये था 399, 400 का है, एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी थी वो थी 400 ml, तो ये बहुत अच्छा है, पूरा साल निकल जाएगा। ये बहुत छोटा है और इसका प्राइस बहुत हाई है, बट ये हील्स में जो काम करता है बहुत अच्छा करता है डेफिनेटली, एंड यू नो जिनकी एड़ियां फट जाती है, हील हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, मेरी टचवुड थैंक्स टू गॉड मेरी फटती नहीं है, बट मेरी ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा स्किन, तो मैं ये अप्लाई करके सॉक्स पहनती हूँ, तो दैट वुड बी बेस्ट, क्योंकि मॉइस्चराइजर बॉडी लोशंस हर जगह काम नहीं करते हैं, तो ये उसके लिए है, मतलब आपकी एड़ियों के लिए, अगर किसी को चाहिए तो हाईली हाईली रिकमेंडेड, बट इट्स टू हाई प्राइस इसका, ज्यादा है, बट बहुत अच्छा है अगर जो बहुत ज्यादा सफर करते हैं अपने एड़ियां फटने से, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड ये न्यूट्रोजिना का हैंड बाम, न्यूट्रोजिना के और भी हैंड बाम आते हैं, बट मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, एंड वैसे मैं फ्रेग्रेंस के लिए नायका का यूज करती हूँ, वो भी मैं कभी आपको शेयर कर दूंगी, बट ये जो है ये मॉइस्चर के लिए बहुत अच्छा है, यू नो हैंड्स बहुत ड्राई होते हैं, मेरे हैंड्स बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई होते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे पैर एड़ियां इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते जितनी जल्दी मेरे हैंड ड्राई होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, रेगुलर के लिए मुझे अच्छा लगता है, एंड इसका प्राइस है 350, एंड स्मॉल है, मेरा तो अभी एक साल से ही चल रहा है, बेस्ट है, और सीरियसली मतलब मैं बोलूँ तो मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। खुशबू इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट अपना जो मॉइस्चराइजिंग का काम है ये बेस्ट करता है। और गाइस हम लोग हर जगह बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं, बॉडी लोशन बॉडी पे अच्छा काम करता है, यू नो हैंड्स एंड हमारी जो एड़ियां होती है वो थोड़े हार्ड होते हैं, मतलब उनकी स्किन थोड़ी ड्राई और हार्ड ज्यादा होती है, तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पहले मुझे भी नहीं पता था, उनके लिए हमें अलग से मॉइस्चराइजर इस तरीके से लेने पड़ते हैं, तो बॉडी के लिए ये बेस्ट है, एंड ये भी मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड है गाइज, आप इन्हें ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ये नायका पे, अमेजोन पे इजिली कहीं भी तीनों आपको मिल जाएंगे। एंड यू नो बोरोलिन, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मेरा बोरोलिन सर्दियों में परमानेंट है होठों पे, और स्किन बहुत अगर पैची लगती तो वहां वहां मैं अप्लाई करती हूँ, पूरे फेस पे नहीं, क्योंकि बहुत ग्रेसी और बहुत स्टिकी सा हो जाता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, वो भी मैं रात को अप्लाई करती हूँ अगर मुझे लगता है तो, अदरवाइज नहीं, मुझे कोकोनट ऑयल बेस्ट लगता है। सो गाइज ये था आज का वीडियो, और ये था स्किन केयर, आपको अच्छा लगा होगा, एंड डोंट फॉरगेट, आप जब भी कोई भी इस तरह से डीआईवाई करते हैं, कोकोनट ऑयल रात में लगा के जरूर सोए, मैं भी लगाऊंगी, डेफिनेटली लगाऊंगी, अभी फेस पे मैंने इसलिए लगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है। सो गाइस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आप इसे ट्राई करना जरूर, ये डीआईवाई भी घर पर ट्राई करना, और जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किया आप मंगा के देख लो, आपको डेफिनेटली अच्छा वर्क करेंगे आपकी बॉडी पे, क्योंकि मेरे साथ तो ये जेंटली काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सो गाइज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, बहुत कंजूसी करने लगे हो, एंड सॉरी फॉर, मैं भी सॉरी बोलती बिकॉज मैं लास्ट वीक वीडियो नहीं डाल पाई थी यार, दिवाली की वजह से ना उस में मैं थोड़ा बिजी थी, तो आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, ये मैं आज डाल रही हूँ। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, प्लीज यार कंजूसी मत किया करो।